हेलो फ्रेंड्स मैं हूं रूपाली एंड वेलकम बैक टू रूपाली किचन दोस्तों आज आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूं हलवाई स्टाइल बिल्कुल बाजार जैसे समोसों की रेसिपी और इनको क्रिस्पी बनाने के लिए जो भी टिप्स होते हैं वो भी मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे हमने लिए सबसे पहले दो कप मैदा और अब मैदे में डालेंगे हम थोड़े से अजवाइन एक चम्मच अजवाइन और थोड़ा सा नमक स्वाद के अनुसार और अब मैं यहाँ डाल रही हूँ वन फोर्थ कप घी घी की जगह आप चाहें तो डालडा भी यूज़ कर सकते हैं या फिर ऑयल भी चाहें तो ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं आटे को अच्छे आटे में अच्छे से मिक्स कर लेंगे और उसके बाद में हम डालेंगे इसमें धीरे धीरे पानी और हमें जो है समोसे के लिए बिल्कुल ही जो है टाइट आटा गूँध के लगाना है तो बहुत ही टाइट आटा लगता है ताकि हमारे समोसे जो हैं बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे तो यहाँ पर हमारा आटा हो गया है तैयार आप देख सकते हैं ये देखिए मैंने कितना टाइट इसको गूँधा है तो इतना ही टाइट आपको गूंद के रखना है थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए दस बीस मिनट रेस्ट करने के लिए रखेंगे तब तक हम समोसे की सब्ज़ी तैयार कर लेते हैं तो उसके लिए कढ़ाई में मैंने लिए दो बड़े चम्मच तेल और फिर उसमें डाला है एक चम्मच खड़ा धनिया और उसके बाद में जीरा हल्दी मिर्ची हरा धनिया और थोड़ा सा गरम मसाले ले लेके जो सूखे हमारे मसाले हैं इनको हम तेल में थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे ताकि ये अपना अरोमा उसमें छोड़ दें अब डालेंगे थोड़ी सी कसूरी मेथी एंड थोड़े से हमने डाले हरे मटर हरे मटर को भी अच्छे से हम लोग इसमें फ्राई कर लेंगे थोड़े से पक जाने चाहिए और यहाँ पे मेरे पास में थोड़ा सा पनीर रखा हुआ था तो घर में तो मैंने वो यूज़ कर लिया पर ये बिल्कुल ऑप्शन है आपके पास हो तो आप यूज़ करें तो यहाँ पे अब हमने लिए चार बड़े आलू क्योंकि तो मैं घर के लिए बना रही हूँ समोसे घर में हम सिर्फ चार ही पर हैं तो मुझे यहाँ पर फिलिंग ज़्यादा नहीं चाहिए अगर आपको ज़्यादा चाहिए हो फिलिंग तो आप इसको बढ़ा सकते हैं तो अभी हम जो है इसको डाल के आलू को डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे थोड़ी सीजनिंग कर देंगे नमक से नमक आप स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं तो सब्जी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे आलू को थोड़ा सा हम लोग फ्राई कर लेंगे इसमें फ्राई मतलब थोड़ा सा गर्म गर, पका लेंगे ताकि हमारे आलू में थोड़ा कच्चापन खत्म हो जाए भाई सब्ज़ी बनके तैयार है आप देख लेते हैं हमारा आटा भी रेस्ट कर चुका है तो यहाँ पर हमारा आटा तैयार हो गया है अब इसमें से मैं हाफ़ पार्टी लूँगी क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा नहीं बनाने अभी समोसे दूसरे दिन भी खा सकते हैं जरूरी नहीं है एक ही दिन में खा के खत्म कर दो तो मैं ऐसे ही करती हूँ बना के रख देती हूँ आटा गून के रख देती हूँ और फिर खा तो अब हम क्या करें अब हमने आटा लिया है आटा हमारा काफ़ी टाइट है तो हमें इसको थोड़ा सा सॉफ्ट कर लेना है क्योंकि हमने इसमें घी डाला है तो हम इसको सॉफ्ट करके थोड़ा सा अब इसकी लोइियाँ तोड़ लेंगे और अब हम इस अपने समोसे बनाने की प्रोसेस को तैयार करते हैं तो सबसे पहले हम अपने जो गोला लिया है मीडियम साइज़ का मैंने गोला लिया है अब इसको थोड़ा सा बेल के लंबा लंबा हमें इसे बेलना है क्योंकि समोसे बनाने हैं हमें तो हम इसको लंबा लंबा बेल के अब इस तरीके से बेल के इसमें से बीच में से एक कट लगा देंगे और एक पार्ट और दोनों पार्ट ये हमारी समोसे की शीट तैयार हो गई है इसी तरीके से मैं सारे गोलों को बेल के शीट तैयार कर लूँगी यहाँ पर मई सारी शीट्स तैयार हो चुकी हैं तो अब लेंगे अब बनाते हैं समोसे तो समोसे के लिए सबसे पहले हमने इसमें चारों तरफ जो है वो पानी लगा दिया और अब इसको कोन के शेप में इसको हम फोल्ड कर लेंगे और इनके जो एजेस होते हैं इनको अच्छे तरीके से दबा देंगे ताकि हमारे आलू का जो मिक्सचर हम इसमें भरेंगे वो बाहर ना निकले तो इसको मैं अच्छे तरीके से दबा दबा के सील कर रही हूँ पानी लगाने से काफ़ी अच्छे से सील हो जाते हैं और अब हम इसमें डालेंगे अपनी आलू की जो हमने सब्जी बना के रखी थी उसको हम इसमें डाल देंगे और अंदर से इसको थोड़ा सा दबा देंगे और इसके किनारे पे पानी लगा के आप देख सकते हैं मैंने किस तरीके से समोसे को शेप दिया है तो इसी तरीके से मैंने यहाँ पे कुछ भी स्किप तो किया ही नहीं आप देख सकते हैं मैंने किस तरीके से शेप किया है तो इसी तरीके से आपको भी शेप करना है और इसकी सील अच्छी तरीके से ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा पार्ट निकल आया था तो मैंने इसको काट के अलग कर दिया है अच्छे तरीके से इसको सील कर देंगे ताकि हमारी फीलिंग जो है वो बाहर ना निकले यहाँ पे हमारा समोसा बनके तैयार हो गया है तो मैं आपको एक और समोसा बना के दिखा देती हूँ तो इसी तरीके से हम दूसरी शीट ले लेंगे इसको वी, वी में जो है कौन के शेप में सॉरी जो है हम इसको बोल लेंगे और इसके एजेस जो है किनारे जो है वो अच्छे से सील कर लेंगे पानी लगा के और फिर सब्जी भर के इसको समोसे का शेप दे देंगे समोसे का शेप स्टार्टिंग में थोड़ा सा टफ लगता है देना लेकिन एक बार प्रैक्टिस हो जाती है तो बस फिर मज़ा ही आता है ऐसे समोसे बनाने में तो आप मैंने इसीलिए कुछ भी स्किप नहीं किया आप देख सकते हैं जो हमारा जो गोल वाला पार्ट होता है ना उसी को हमें फोल्ड कर लेना है तो बाजार वाले स्टाइल के हमारे समोसे जो है घर में ही बन के तैयार हो जाएंगे और सील अच्छे से कर देना है ताकि हमारी फिलिंग बाहर ना निकले और यहाँ हमारे समोसा जो है छोटा सा प्यारा सा समोसे तैयार हो गए हैं बन के अब हमें करना है इन्हें डीप फ्राई तो यहाँ पे मैंने इसको डीप फ्राई कर रही हूँ मैंने रिफाइंड ऑयल ले लिया है और यहाँ पे हमारे तेल बिल्कुल हल्का सा गर्म है हमें बहुत ज़्यादा गर्म तेल में नहीं डालना है और यहाँ पर मैं आपको स्टार्टिंग में कलची नहीं लगानी है पर मैं इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि मेरी कढ़ाई है थोड़ी सी पतली है इसका बॉटम पतला है तो मुझे डर रहता है कि ये नीचे ना चपक जाए वरना आप थोड़ी सी देर ऐसे ही छोड़ दीजिए वो थोड़ी देर बाद में तलने के बाद में अपने आप ऊपर आ जाएंगे तो यहाँ पर हमारे समोसे हल्के हल्के बिल्कुल धीमी आँच पे तल रहे हैं मैं धीमी आँच पर ही तलिए ताकि हमारे समोसे बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे तो इसीलिए मैं धीमी आँच पर तल रही हूँ अगर तेज़ आँच पर तल लिए तो उनके ऊपर एक बबल से आ जाते हैं जो कि मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते तो ये हलवाई स्टाइल में अगर आपको बनाना है तो यही इसकी ट्रिक है कि इसको बिल्कुल कम आँच पर आपको धीरे धीरे तलना थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन आपके समोसे बहुत ही बढ़िया बन तैयार होंगे बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे आप देख ही सकते हैं कितने क्रिस्पी बने हुए हैं हमारे समोसे तो चलिए प्लेट डेकोरेशन uh, कर लेते हैं प्लेटिंग कर लेते हैं तो यहाँ पे मैंने पहले कुछ इस तरीके से समोसों को रखा था ये हमारी चटनी आ गई है तैयार चटनी मैंने पहले ही बना के रखी थी ये कुछ मीठी चटनी है अब हरी मिर्ची मैं यहाँ पे जो फ्राई करके रखी थी उसको मैं कहाँ रखूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा था तो मैंने ऐसे बीच में ही रख दिया इसको और थोड़ा सा धनिया डाल दिया हमारे समोसे बन के तैयार हो गया आपको ये रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मिलती हूँ आपसे अपने अगली वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय